सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई हो। सो गाइस देखो यार, आप सभी लोगों ने ये वीडियो पर इसीलिए क्लिक करा होगा क्योंकि आपको जानना है कि मतलब यार कौन सा जो मोड है वो बेस्ट है। पर लेकिन यार आपको खुद को ही पता है कि आपके लिए कौन सा मोड बेस्ट है, पर लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई तुमको बताने वाला है ये वीडियो में कि भाई आपके लिए आपका बेस्ट मोड कौन सा है। अगर ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक देखते हो तो आपको सही से पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट मोड कौन सा है रैंक पुश करने के लिए, सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड। तो मेरे भाई ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक देखते रहना। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलो मोड की। तो यार देखो सोलो मोड जो है मेरे को काफ़ी सही लगता है, मतलब सबसे अच्छा जो मोड है ना, सही बताऊँ तो सोलो ही है। पर लेकिन यार देखो सोलो में बस एक दिक्कत होती है यार, बोर हो जाते हैं बंदे गेम खेलते हुए, क्योंकि यार सोलो में मतलब कोई बात करने वाला भी नहीं होता, पूरा मतलब भारी सीन रहता है स्टार्टिंग से, बिल्कुल चुप चुप, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर के भाई रैंक पुश करनी पड़ती है। तो यार मतलब पूरा बोल टाइप हो जाते हैं बंदे, तो सोलो बस मेरे को इसी चीज़ के लिए सही नहीं लगता। पर लेकिन यार देखो सोलो की सिर्फ एक ही ये चीज़ ख़राब है जिससे बंदे बोर होते हैं, पर लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सही चीज़ें भी हैं। जैसे कि अगर आपके पास कम टाइम रहता है, आप ज़्यादा गेम नहीं खेल पाते हो, तो भाई साहब सोलो बहुत सही है, क्योंकि देखो यार आपका टाइम बचेगा कैसे सोलो के अंदर। अगर मानो आप डुओ में पुश कर रहे हो तो आप थोड़ा सा वेट करोगे कि चल यार 5 मिनट बाद ही तो आ रहा है मेरा टीममेट खाना खा करके, उसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जब वो आ जाएगा तब उसके साथ खेल लूँगा। पर लेकिन देखो यार जब भी आप सोलो में गेम स्टार्ट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, मतलब कि जब भी आपका गेम खेलने का मन करेगा ना सोलो में, आप तभी गेम खेल सकते हो और आपका वहाँ पर टाइम बचता है, ठीक है ना। एंड गाइस देखो सोलो में दूसरी बात कर लेते हैं, आपको हमेशा 1v1 की सिचुएशन रहती है, ठीक है ना। और अगर आप रैंक पुश कर रहे हो कॉन्करर के लिए तो यार कम से कम आपको अपने ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि हाँ यार मैं 1v1 ले लूँगा अगर अच्छी सिचुएशन होगी गेम के अंदर, ठीक है ना। तो 1v1 तो आप इजीली ले ही लोगे अगर आपको अच्छे से गेम खेलना आता है सोलो में। और दूसरी बात देखो यार मैं आपको बता दूँ, ये जो गेम है ना सिर्फ रैंक पुश जो हम कॉन्करर करते हैं ये सिर्फ गन पावर का नहीं है मेरे भाई, सिर्फ गन पावर का नहीं है, इसके अंदर पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छे से पोजीशन निकालनी पड़ती है, उसके बाद तो आप आराम से जीत ही जाओगे यार। एंड गाइस देखो माइंडसेट, अगर आप सोलो में रैंक पुश करते हो ना तो भाई आपको एक अच्छा माइंडसेट लेकर के ज़रूर से चलना पड़ेगा, कभी भी आपको डरना नहीं है सोलो में रैंक पुश करते हो, आपको पूरा सही से खुलकर खेलना है, बस अलर्ट रहकर ये गेम खेलना है हमेशा। ऐसा नहीं कि भाई मतलब पागल टाइप कहीं भी ओपन में घूम रहे हैं, क्योंकि यार देखो सोलो में जो है ना बहुत ही गंदी कैंपिंग होती है और बंदे बहुत ही बुरा कैंप करके मारते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, देखो मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपके पास टीममेट नहीं है और आपके पास कम टाइम है तो आप सोलो में ही रैंक पुश करो। एंड गाइस देखो अगर आप सोलो में रैंक पुश करोगे ना तो आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा, क्योंकि देखो जब भी आप मरोगे ना आपके दिमाग में ये चीज़ रह जाएगी कि अगर मैं उस तरह से ये काम नहीं करता तो शायद से मैं वहाँ पर बच जाता। तो यार अगर आप सोलो में रैंक पुश करते हो ना तो आपका गेम प्ले भी काफ़ी इम्प्रूव होता है, तो सोलो भी काफ़ी ठीक है। और अभी देखो यार बात कर लेते हैं हम डुओ की। तो गाइस देखो यार अगर आपको डुओ में रैंक पुश करनी है ना और अगर आपके पास एक ऐसा टीममेट है कि मतलब हमेशा अवेलेबल रहता है वो आपके लिए आपके साथ रैंक पुश करने के लिए, तो ही भाई सोल मतलब ये डुओ में रैंक पुश करना, वरना तो भाई डुओ में रैंक पुश मत करना। और अगर आपके पास 3 से 4 टीममेट हैं डुओ में रैंक पुश करने के लिए, मतलब अगर कोई दूसरा गया तो फिर तीसरा आ गया, तो आप कर सकते हो डुओ में रैंक पुश। क्योंकि देखो मेरा तो ये है, मेरे पास 2 से 3 बंदे हैं डुओ में रैंक पुश करने के लिए और मैं तो उनके साथ आराम से डुओ में रैंक पुश कर लेता हूँ। तो यार देखो मैं तो आपको ये बोलूँगा अगर डुओ में रैंक पुश कर रहे हो तो 2 से 3 बंदे रखो अपने पास हमेशा रैंक पुश करने के लिए, या फिर एक ऐसा बंदा ढूंढ लो जो आपके साथ हमेशा गेम खेलने के लिए तैयार रहे, ठीक है ना, और जिसको आप कभी भी कॉल करो और बोलो उसको गेम में आने के लिए तो वो आ जाए, ठीक है ना यार। और अगर ऐसा बंदा नहीं है तो भैया मत करो डुओ में रैंक पुश, मैं सही बता रहा हूँ, सोलो में ही रैंक पुश कर लो सही है। और अगर आपके पास 3 से 4 बंदे हैं डुओ में रैंक पुश करने के लिए फिर तो यार कभी ना कभी कोई ना कोई सा बंदा आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा। और आप जो बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो ना इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, खैर कर भी लेना, पर लेकिन देखो ये जो मेरा गेम था ना, पता नहीं यार गर्मियाँ आ चुकी है और K20 Pro की अपनी L लगे हुए हैं, इतना भारी वाले फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं ना इसके अंदर आजकल, तो दिल से बुरा लगता है यार मेरे को रैंक पुश करते हुए। तो गाइस कोई बात नहीं यार, डिवाइस के तो L-L लगते ही रहते हैं क्योंकि यार गर्मी आते हैं, थोड़ा बहुत तो हीट हो गई और लैग भी हो गई यार डिवाइस तो कोई नहीं। फिर अभी अपने लास्ट मोड की बात कर लेते हैं जो कि है अपना स्क्वाड। तो यार देखो मैं आपको सिंपल सी बताऊंगा, अगर आपको स्क्वाड में रैंक पुश करनी है ना, स्क्वाड में रैंक पुश करने का फ़ायदा तभी है जब आपके पास एक कॉम्पिटिटिव टीम हो या फिर कोई ऐसी टीम हो जिसके साथ आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो, तो स्क्वाड में रैंक पुश करने का तभी फ़ायदा है, उससे आपका मतलब अच्छी खासी सिनर्जी बनेगी अपनी टीम के साथ
और सही रहेगा। और मैं बताऊँ तो मेरे पास भी टीम है कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए, पर लेकिन यार हम सभी लोग साथ में रैंक पुश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यार देखो वो रात के टाइम गेम खेलते हैं और मैं दिन में 12 बजे के बाद से गेम खेलता हूँ, 5 या फिर 4:30 या फिर जब तक मन करता है, बस 5 बजे से पहले पहले गेम खेलता हूँ मैं। उस 5 बजे के बाद मैं फ़ोन रख देता हूँ, उसके बाद गेम नहीं खेलता, चाहे फ़ोन मेरे हाथ में ही रहेगा जब मेरा मन करेगा जब चला सकता हूँ, पर लेकिन गेम मैं बहुत कम खेलता हूँ, कभी कभार खेलता हूँ, एक दो गेम खेलता हूँ जैसे रैंक पुश डुओ में कभी कभार कर लिया 5 बजे के बाद, वरना मैं ज़्यादातर गेम खेलूँगा ही नहीं, उससे पहले ही गेम खेलूँगा, तो इसलिए यार स्क्वाड भी नहीं खेल सकते हम, तो इसलिए डुओ ही मेरे को सही लगता है अपना, क्योंकि मेरे टीममेट 4-5 टीममेट हैं मेरे पास, कोई ना कोई आता ही रहता है भाई डुओ में रैंक पुश करने के लिए, चलो यार चलो डुओ में रैंक पुश करते हैं, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आती यार। सोलो में तो मैं बोर हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा गेम खेलते हुए, एक दो दिन सोलो ट्राई करा था फिर भैया हम अपने डुओ पर ही वापस आ गए थे। तो अभी देखो यार मेरा बताऊँ तो ये गेम के अंदर बहुत गंदे फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, तो इसलिए मैंने अपना जो फ़ोन था ना वो एक बार रीस्टार्ट कर लिया था। उसके बाद देखो यार ये वाले गेम प्ले भी देख लो यार, ज़्यादा मिनट नहीं रह गई, 2 मिनट है सिर्फ, तो वीडियो लास्ट तक देख लो यार, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है ना मेरे भाई, तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दो, मुझे दिल से बुरा लगता है। वरना फिर उसके बाद देखो यार यहाँ पे सामने की तरफ कुछ बंदे थे, तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तुम गाड़ी घुमाओ, जैसे ये बंदे तुम पे फायर लेंगे मैं एक बंदे को नॉक कर दूंगा और पुश कर देना और मार देंगे वाले लोगों को फिर, और क्या। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जड़ होती है इसको तो बहुत ही ज़्यादा इजीली फिनिश कर जाता है ये बंदे, मेरे टीममेट को ऊपर स्प्रे लेता है, तो एक बंदे को तो मैं तभी नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी हेडशॉट और एक बॉडी शॉट दिया था, और थोड़ी देर बाद उसका हेलमेट मेरे को दिखता है जब अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, तो ईजिली ये वाली डो को तुम्हारे भाई ने यहाँ पर वाइप कर दिया था। फिर गाइस देखो यार कहीं दूर से मेरे टीममेट को कुछ बंदे नॉक करते हैं यहाँ पर, तो भाई मेरे को अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देने भी जाना था, तो जिस बंदे ने मेरे टीममेट को यहाँ पर नॉक करा था उससे थोड़ा सा बदला भी लेना था, मतलब उन्होंने यार हमारा एक बार बंदा नॉक करा है तो हमको भी करना है उनका बंदा एक बार नॉक, फिर देखो यार कैसे करते हैं। अरे जोड़ भी यही मारा था घर पे। फिर गाइस सर मैंने यहाँ पर इस बंदे को नॉक तो कर दिया था और अपने पीछे से भी थोड़ी देर बाद जोन स्टार्ट हो जाता है और हमको यहाँ पर जोन के अंदर भी जाना था, तो थोड़ी देर बाद ये गेम के अंदर मेरी पेटी बनने वाली है। सो गाइस आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और ये वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दो, और लाइक कर दो यार वीडियो को और दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर दो। तो ये गेम के अंदर यार मेरी बहुत ही गंदी वाली पेटी बनी थी, मतलब कवर के अंदर आ गया था फिर नोक हो करके मैं, और गाड़ी फूटने की वजह से फिनिश हो जाता हूँ, तो बहुत बुरा लगा। कोई नहीं यार थोड़ी देर बाद टीममेट की पेटी बन जाती है यहाँ पर, और प्लस आप देख ही लेना वीडियो को लास्ट में और लाइक कर देना वीडियो को, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ।